नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। प्रदेश की राजधानी में जिस बेशकीमती 200 बीघा जमीन पर सरकार अपने मालिकाना हक का दावा कर रही है और जिस जेडीए पर इस जमीन को बचाने की अहम जिम्मेदारी है, उसके जेडीसी गौरव गोयल इस मारे मामले की डोर टू डोर लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जेडीए द्वारा इस भूमि पर बाउंड्री वॉल को ध्वस्त करना इसी कार्रवाई का हिस्सा था, लेकिन अब जेडीए के सामने यक्ष प्रश्न ये है कि जिन लोगों को पिछली तारीखों में महात्मा गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति या फिर दूसरे गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा पट्टे जारी कर दिए गए हैं और कब्जा भी दिलवा दिया गया है, लेकिन जब वे अपने प्लॉट पर निर्माण करने जाते हैं तो जेडीए इसे अवैध अतिक्रमण मानकर उसे तोड़ने चला जाता है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। एक तरफ तो जेडीए के सामने बेशकीमती 200 बीघा जमीन की डे टू डे निगरानी का काम है, दूसरी ओर सोसाइटी के हाथों लूटे पीटे लोग मौके पर जाते हैं। जेडीए की अतिक्रमण शाखा उन्हें वहां से भगा देती है, इसलिए सारे प्रकरण में जेडीए के सामने दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या जेडीए 50 से 60 पुलिस वालों की एक स्थायी चौकी वहाँ बना दे और अपनी जमीन की रक्षा करे। दूसरा सवाल यह है कि हाईकोर्ट में जल्द से जल्द आखिर ये फैसला कैसे हो। जब तक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जमीन की स्वामित्व का मुद्दा तय नहीं होता है, तब तक सोसाइटी का पट्टा हाथ में लेकर भूखंडधारी इधर उधर भटकते रहेंगे। इसलिए विधि विशेषज्ञों ने जेडीए को ये सुझाव दिया है कि वो एक और तो चीफ जस्टिस की कोर्ट में स्पेशल रेफरेंस करके इस केस की डे टू डे सुनवाई करवाए और दूसरी ओर पिछली तारीखों में पट्टे देकर भूखंडधारियों को झूठा आश्वासन देने वाली सोसाइटियों की जाँच का काम यूडीएच मंत्री धारीवाल के स्तर पर एसओजी को सौंप दिया जाए। आगरा के नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी निवासी अनुराधा अग्रवाल ने जिस सोसाइटी में ढाई दशक पहले जमीन खरीदी थी, लेकिन खरीद के बाद वास्तविक पट्टा न मिलने के कारण आज सोसाइटी द्वारा दिए गए इस पट्टे को 5,000 में भी खरीदने वाला नहीं मिल रहा। ऐसे में हो सकता है कि सोसाइटी के शिकार हुए ऐसे भूखंडधारियों की सूची लंबी हो। दूसरी ओर इस जमीन के किसानों काश्तकारों का ये कहना है कि जब तक रेवेन्यू कोर्ट के सारे फैसले अर्थात एसडीओ कोर्ट RAA एवं रेवेन्यू बोर्ड तक के फैसले किसानों और खातेदारों के पक्ष में हैं, तो फिर केवल एक हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण उन्हें उनकी जमीन का कब्जा नहीं मिल पा रहा। दूसरी ओर जेडी का स्टैंड भी अपनी जगह सही है, जब तक हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है तब तक सोसाइटी के लोग या भूखंडधारी उस जमीन में निर्माण कैसे करवा सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब रेवेन्यू बोर्ड का फैसला काश्तकारों के पक्ष में आया तो जेडी के सरकारी वकील ने भी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील नहीं करने की सलाह दी, लेकिन राजस्व विभाग की ओर से हाईकोर्ट में रिट भी दायर की गई और मजबूत पैरवी की गई। नतीजा ये रहा कि राजस्व विभाग की अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया, लेकिन कोर्ट स्टे के बावजूद किसानों को अपनी जमीन प्यारी है और 50 से 60 सालों से काबिज काश्तकार इस जमीन का मालिकाना हक छोड़ने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में अब कब्जाधारी काश्तकारों ने भी अपना पक्ष रखते हुए जेडीए द्वारा की गई कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं। कब्जाधारी काश्तकारों का कहना था कि 3 कोर्ट के फैसले उनके पक्ष में आ चुके हैं, हाईकोर्ट की ओर से पूरे मामले पर स्टे लगाया गया है, लेकिन फिर भी जेडीए द्वारा बीते दिन जमीन पर पहुंचकर बनाई गई बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया जो कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। ऐसे में जल्द ही कोर्ट में जेडीए के खिलाफ अपील की जाएगी। खातेदारों ने ये आरोप भी लगाया है कि पिछले कई सालों से खातेदार जमीन पर मालिकाना हक को लेकर राजस्व विभाग और जेडीए से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उनको मालिकाना हक नहीं मिल पाया, जिसके चलते उनकी माली हालत दिनों दिन खराब हो रही है। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले में कब्जाधारी किसानों का क्या कहना है। ये साहब हमारी खातेदारी की जमीन है, इसके रिकॉर्डेड खातेदार हैं। आज तक हमारे पक्ष में जितने भी विवाद सरकार ने उत्पन्न करे थे सब में हमारी जीत हुई है। कोर्ट में अभी भी इनकी रिट पेंडिंग है सरकार की, उसमें स्टे दे दिया था सरकार, कोर्ट ने इनको स्टे दे दिया था और उसकी सुनवाई चल रही है, अभी विचाराधीन है कोर्ट में। और ये हमारी पिछले 60 सालों से खातेदारी ज़मीन है, इसके कुछ पार्ट पे लोगों ने पहले 1992-93 में कॉलोनियाँ काट दी थी, जिसका रिवाइज नक्शा जेडीए ने नक्शा पास करने के लिए मांग रखा है, उनका नियमन करने के लिए जेडीए तैयार है। और हमारी ज़मीन में तो कोई निर्माण भी नहीं था, कोई बाउंड्री छोटी मोटी लगा रखी थी पशुओं को रोकने के लिए, स्टे के दौरान जाकर जेडीए उसको भी ध्वस्त करके आ गया है, जिसके लिए हम जेडीए के खिलाफ कंटेम्प्ट की कोर्ट कंटेम्प्ट की कार्रवाई शीघ्र ही करने जा रहे हैं। मालिकाना हक हम एब्सोल्यूट खातेदार हैं, जमाबंदी हमारे नाम पर, आज तक हम कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। 1957 से हमारा हमारे काश्तकारों का कब्जा चला आ रहा है, जेडीए का और सरकार का इसमें कोई लेने देना ही नहीं है। ये काश्तकारों को परेशान किया जा रहा है, इन सरकार का इनका जेडीए का कोई लेना देना नहीं है। आज पिछले 70 सालों से काश्तकार इस चीज़ की लड़ाई लड़ता रहा है, इनमें से बहुत से काश्तकार तो मर गए न्याय की उम्मीद में, अभी तक काश्तकारों को न्याय नहीं हो रहा। ये सरकार कहती है कि हम किसान के पक्ष के लोग हैं।
राजधानी जयपुर की मुहाना मंडी के सामने स्थित 200 बीघा जमीन की आज की कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए की है। जयपुर विकास प्राधिकरण के रीजन में शामिल मुहाना मंडी के गेट नंबर 3 के सामने मोहनपुरा में स्थित जमीन के मालिकाना हक को लेकर सालों से सरकार और कब्जेधारी खातेदारों के बीच कोर्ट में लड़ाई चल रही है। मामले में हाईकोर्ट का स्थगन आदेश है, इसके बावजूद मौके पर अवैध कॉलोनियां काटने की शिकायत मिल रही है। वहीं इस पूरे मामले में जेडीए के रोल को लेकर जेडीसी गौरव गोयल ने कहा कि जेडीए की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। इस मामले में पुरजोर पैरवी के लिए ही अतिरिक्त महाधिवक्ता को नियुक्त किया गया है। मौके पर अवैध कब्जे रोकने के लिए जेडीए निरंतर कार्रवाई करता है, लेकिन मौके की स्थिति के अनुसार जेडीए द्वारा नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता संभवतः मामले की पुरजोर पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मंत्री शांति धारीवाल को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और दिल्ली से एक सीनियर एडवोकेट से इस पूरे मामले की पैरवी करवानी चाहिए। खुद जेडीसी गौरव गोयल को भी इस पूरे मामले में पहल करनी चाहिए। ये कैसी मनमानी, बेशकीमती जमीन पर कोर्ट के स्थगन आदेश की परवाह किए बिना काटी जा रही है कॉलोनियां। इसके लिए खरीदारों को बैक डेट में दिए जा रहे सोसाइटी के आवंटन पत्र। इस खेल में कई गृह निर्माण सहकारी समितियों के फर्जी दस्तावेजों को किया जा रहा इस्तेमाल। 17 जून 1999 की कट ऑफ डेट के पहले की तारीखों में आवंटन पत्र जारी किए जा रहे। अवैध कॉलोनी काट रहे भू कारोबारी खरीदारों को भरोसा दे रहे हैं कि जल्द प्रशासन शहरों के संग अभियान में कॉलोनियों का नियमन भी करा दिया जाएगा। कई भूखंडों पर तो मकान का निर्माण भी शुरू हो गया है। मौके पर अवैध भूखंड काटने का गड़बड़ झाला परवान पर है। मुहाना मंडी के पास ग्राम मोहनपुरा स्थित इस बेशकीमती जमीन पर अपना मालिकाना हक मानते हुए राज्य सरकार अदालत में लड़ाई लड़ रही है। आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। क्या है पूरा मामला? 1991 में तत्कालीन असिस्टेंट कलेक्टर चाकसू ने कब्जेधारी काश्तकारों के पक्ष में फैसला दिया। फैसले के खिलाफ सरकारी पक्ष राजस्व अपीलीय अधिकरण और उसके खिलाफ राजस्व मंडल अजमेर में गया। दोनों अदालतों से राहत नहीं मिलने पर राजस्व विभाग ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने मामले में राजस्व विभाग की अपील पर अगस्त 2021 से स्थगन आदेश दिया हुआ है। जेडीए की ओर से भी करीब सवा साल पहले हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। मामले में मजबूत पैरवी कराने का कारण बताते हुए जेडीए ने अपना वकील भी बदल दिया। उनके स्थान पर अतिरिक्त महाधिवक्ता को नियुक्त किया गया, लेकिन इस याचिका पर अब तक जेडीए को स्थगन आदेश नहीं मिल पाया है। फिलहाल राजस्व विभाग की याचिका पर हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला है। अगर जेडीए इच्छा शक्ति दिखाए तो जेडीए की याचिका पर हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल सकता है। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।